नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का भागड़ पोस्ट। डूंगरपुर जिले में गांव की सरकार बनाने की खींचतान चल रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो तीसरी तरफ बीटीपी है। तीनों पार्टियां अपनी जुगत और जोर लगा रही है। शुक्रवार को आसपुर में भाजपा के नेता डॉक्टर जीरेन्द्र शास्त्री, डूंगरपुर जिला संगठन प्रभारी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बीटीपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीटीपी के 84 के विधायक राजकुमार रोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में अब तक कुछ भी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर भी जमकर आरोप लगाए। जीरेन्द्र शास्त्री के आरोप कितने सही हैं और डूंगरपुर की जनता किसके साथ होगी, जिनेंद्र शास्त्री ने जो दावे किए हैं सही साबित होंगे या बीटीपी फिर एक बार तीसरी शक्ति बनकर गांव की सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। एक बार आप सुनिए क्या कहा जिनेंद्र शास्त्री ने। देखिए, इस बार का चुनाव अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव दो भाइयों की जो लड़ाई हुई है, जिस बीटीपी ने भाइयों को आपस में लड़ा दिया, जो ये कहती है कि ये जनजाति भाइयों की पार्टी है, मैं उसी बीटीपी के लिए आपको कहना चाहता हूं, अगर ये जनजाति भाइयों की पार्टी थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सीटें डूंगरपुर की है विधानसभा की, उसमें उतार दी तो पार्टी हमेशा प्रत्याशी बनाती है, वो एसटी भाई को उतारती है। जो लोकसभा की सीटें बांसवाड़ा डूंगरपुर में एसटी भाइयों को उतारती है। जब ये जनजाति भाइयों की पार्टी है तो फिर इसमें मुस्लिम पदाधिकारी क्यों बने, पहला प्रश्न तो मेरे इनसे ही है। दूसरा, राजकुमार रोत विधायक है 84 का, मुझे कहीं पर भी उनका विकास नहीं दिखा, किसी की मदद की हो ऐसा नहीं दिखा। मुझे यह जरूर दिखा कि इन्होंने काकरी डूंगरी पर जो विद्यार्थी निर्दोष थे उनको बरगलाया, उनको उकसाया और उनको जेल जाने तक के लिए प्रेरित किया और वो जेल जलेगा, उसके बाद वो मियां जी पीछे से चल पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। हम विचारों से पार्टी विद द डिफरेंस से हमारी पार्टी चलती है। ना तो हम परिवारवाद की बात करते हैं, ना हम अराष्ट्रीयता की बात करते हैं, ना हम असंस्कारों की बात करते हैं। जो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में हम उनको संस्कारित नहीं कर पाए, लेकिन जो आए हैं वो हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से जुड़कर और देख कर ही वो यहाँ आए हैं, और जो आए हैं वो हमारे ही हैं और जो गए हैं वो पता नहीं उनका प्रभु ही। बीटीपी के पैदाइश करने वाले अगर इनके कोई पिताजी हैं तो उनका नाम है दिनेश खोडनिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए, इनको जयपुर में सरकार बचाने के लिए कौन लेके बैठा? आपको नहीं लगता है कि दिनेश जी खोडनिया एक स्वच्छ क्षेत्रीय छवि के नेता होते हैं तो मैं आज किसी लीडर का हित चिंतक या सुख चिंतक हूं? तो बताइए, मैं उसकी उनके लिए सही काम करूंगा या गलत? अगर आप अशोक गहलोत के खास थे तो काकरी डूंगरी आपकी आंखों के सामने हो, आपने उनको रोका क्यों नहीं? आपने प्रशासन, आपकी सरकार है ना राजस्थान में, सरकार तो आपकी है, एसपी कलेक्टर आपके, आपने सही समय पर उनको रोका क्यों नहीं? उनको जानकारी क्यों नहीं दी सरकार को, प्रदेश के मुखिया को जानकारी क्यों नहीं दी? और जब सरकार बचानी थी तो गाड़ियों में तो आप ही के प्रेस के द्वारा उनकी फोटो वायरल हुई और वो गहलोत जी से मुलाकात करा रहे हैं, खुद तो खावे काकड़ी और मारे दिलावे आकड़ी। आप स्वयं इसके जनक हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इनका धंधा है, ये कांग्रेस वालों का धंधा है, और ये पार्टी हमेशा उग्रवादिता की बात करती है, शांति की नहीं। कोई कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है कोई कारण रहा होगा, वो बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, कोई कारण रहा होगा तो इनकी बहुत बड़ी समस्या हुई होगी, अस्वस्थता हुई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, इसका मतलब कोई बिल्कुल ही इनकी गलती है, बहुत सही ढंग से हमारे साथ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वर्कर के रूप में है और बहुत नेकी से हमारे साथ में काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कैसे विधायक हमारे। मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ, इस आसपुर की धरती से, ये एक धर्म की नगरी कहलाती है, ये एक संस्कारों की नगरी कहलाती है, ये महाराणा प्रताप के प्रेम करने वालों की नगरी कहलाती है। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, मैं विगत 50 दिन से इस डूंगरपुर की धरती पे घूम रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करिश्माई प्रणाम आएंगे। हम जिला परिषद में भी, गांव की सरकार में हमारा जिला प्रमुख बैठाएंगे और 10 पंचायतों में भी बहुत अच्छी संख्या में हम प्रधान बैठाएंगे। ये कांग्रेस खुद अपने कर्मों से निपटेगी, बीटीपी खुद अपने कर्मों से निपटेगी, इस बार जनता इनको सबक सिखाना चाहती है और इनको सबक सिखाएगी। जैन समाज वास्तविकता में, जैन धर्म एक दर्शन है, और जहां तक मैं इस दर्शन को समझ पाया हूं कि ये बात ठीक है कि
कि हमारे से टिकट की बात आई थी, लेकिन सब सर्वसम्मति बनती है तो हमको जीता हुआ टिकाऊ भी चाहिए होता है। हमने जैन प्रत्याशी को कुआं से और सिर्फ अनिल गुप्ता को छोड़कर सभी सभी व्यक्ति हमारे हैं। और आज आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है और ये पत्रकारों के द्वारा उपज की गई चीज है। मैं आज उनसे मिलूंगा, मैं अगर उनका कोई दर्द होगा तो उनसे समझूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैन समाज बहुत समझदार समाज है, राष्ट्रीयता को समझने वाली समाज है, धर्म को समझने वाली समाज है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना मत भी देगी, हमें आशीर्वाद भी देगी। अगर हमारे से कुछ कमी हुई है हम इनसे जाएंगे और इनको पूरे ढंग से पूरे विषय पर चर्चा भी करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। क्या कहाँ के प्रभारी बनाए डूंगरपुर जिले के? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो जन जन का व्यक्ति हूं, मेरे को एक ही बात कहनी है कि सर समाज को कैसे लुभाया जाए उसके लिए मैं प्रभारित्व का दायित्व पूरा करूंगा। और सभी समाज देखिएगा, सभी समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे और वही मेरा कहना है। और मैं तो मेरे नाम के साथ भी शास्त्री लगाता हूं, मेरे को तो कई लोग ब्राह्मण समुदाय से समझते हैं और मेरे तो सभी तीर्थंकर राजपूत हैं, इसलिए वो भी समाज मुझसे प्रेम करती है और मेरा जन्म जैन समाज में, इसलिए ये सब चीजों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार डूंगरपुर की धरती से बनाएंगे और डूंगरपुर की धरती में भाई अजय गुप्ता जी और बहन रेखा जी, चंद्रलेखा जी, सभी लोग यहाँ की इस सरकार में, इस गांव की सरकार में भूमिका निभाएंगे। और कल आदरणीय गुलाब जी वैसा की सभा है, उसमें भी मैं निमंत्रण देने आया हूँ सभी को, वे सभी जुड़ेंगे, उनकी तैयारी में रहेंगे। दीक्षा में दोबड़ा में जो सभा होगी उसकी तैयारी में। देखिए संगठन प्रभारी का यही काम है कि जहाँ गड़बड़ियाँ हुई उसको ठीक किया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए और संगठन कहीं कमजोर नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी संगठन प्रभारी की रहती है और वही मैं देखने आया हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत वाली गांव की सरकार बनेगी और अब की बार जिला परिषद 20 के पार, अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, सरकार बनाएंगे, लोगों के दिल को भी जीतेंगे और महिलाओं को जो असुरक्षा देने वाली ये कांग्रेस सरकार है इसको भारतीय जनता पार्टी की ये गांव की सरकार साबित कर देगी कि गहलोत जी आपका न्याय की सरकार नहीं है, आप अपराधों की सरकार है। ऐसा नहीं है, मेरे को तो कोई किसी ने नहीं कहा, मैं तो दोपहर से आया हूं, ये किसी की उपज की हुई चीज है और ये कांग्रेस का धंधा है, वो कुछ नहीं मिलता तो यही बात चला देता हूँ। इसका मैं चर्चा करूंगा, मुझे पता करूंगा, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार बहुत अच्छा काम करे और अगर कोई कारण रहा हो तो चर्चा करेंगे। देखिए ये हम तो काम करना चाहते हैं, ये हमारे काम को रोकती है वो कांग्रेस सरकार रोकती है। आप तो टंकी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमारे रोजगार रोक दिए, हमारे पुलिस की भर्ती रोक दी, रीट की भर्ती रोक दी। और सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।